आम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज के साथ। मन की बात का 100वां एपिसोड है। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता है, हमारे देशवासी है। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जिंदाबाद, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जिंदाबाद, इस बार मोदी सरकार जिंदाबाद, विवेक खटारा साहब जिंदाबाद, एसटी मोर्चा जिंदाबाद। सबसे पहले मैं पूरी आवाम को अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूँ। उसके बाद जो है आपका शुक्रिया मीडिया कर्मी जो यहाँ पे आए, और साथ साथ ही हमारे पुलिस के लोग जो हैं यहाँ पे तैनात हैं, इनका भी शुक्रिया। तो उन लोगों का शुक्रिया कि जो जिन्होंने बढ़ चढ़ के आज इस प्रोग्राम की रौनक बढ़ाई। हमें अंदाज़ा था कि शायद 100 के आसपास लोग होंगे, तो शुक्र 100 से अलावा लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है मन की बात, आज जो मन की बात प्रोग्राम जो 100वां एपिसोड था, तो ये हमारा एक टारगेट था कि हर मुकाम पे 100, 150, 200 लोग हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो हमने जो वलीवार में प्रोग्राम किया, 100 से 150 तक लोग यहाँ पे हमारी बहनें, हमारे भाई नौजवान जो है यहाँ पे मौजूद थे। एसटी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का जो ये कार्यक्रम था, बढ़ चढ़ के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और मुझे आगे भी उम्मीद है कि इसी तरह लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे, और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि ये मन की बात जो है हर बशर इसको समझ के इससे फ़ायदा उठा। देखिए आज की मैसेज जो है, मोदी जी ने लोगों का शुक्रिया अदा किया कि बढ़ चढ़ के लोग जो उनका साथ दे रहे हैं, और 100 जो सीरियल पहुंचा है 100 पे, तो आज तक जो जिस तरीके से जिन लोगों ने मोदी जी को सुना और उनसे बातचीत की, कुछ लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिनसे बराह रास्त मोदी जी ने बात की, तो इससे क्या है कि ये महसूस होता है कि आम और ख़ास में कोई फ़र्क नहीं, मोदी जी सबके जो हैं बादशाह हैं।